तो उस टाइम पर डिज्नी में भी रैल्फ ब्रेक द इंटरनेट के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था और अनफॉर्चुनेटली फिल्म के छोटे से प्लॉट एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच खाते हैं। लेकिन फिर इमोजी फिल्म के रिलीज होने के बाद यहाँ पर डिज्नी को एक अलग आइडिया आया कि उन्हें इस फिल्म को ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट करना है और लोग क्या अलग देखना चाहते हैं इस फिल्म में। डेफिनेटली ये फिल्म आपके टाइम और पैसे पूरी तरीके से वसूल कर देती है। जी हाँ, ये एक परफेक्ट एनिमेशन फिल्म है डिज्नी की तरफ से, यानी डिज्नी ने यहाँ पर एक बार फिर हमें एक बेस्ट एनिमेशन फिल्म दी है जिसे मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई है और इसी के साथ साथ इस फिल्म को 3D में भी रिलीज किया गया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है हमें काफी टाइम से हॉलीवुड की फिल्में 3D में देखने नहीं मिल रही थी। जो लोग 3D को मिस कर रहे थे वो लोग जाकर इस फिल्म को जरूर देखें, खास करके वो लोग जो अपनी फैमिली के साथ में इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे। जी हाँ, ये पूरी फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है और बच्चे से लेकर बड़े भी इस फिल्म को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको इस फिल्म को देखने के लिए इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को कंपलसरी देखना पड़ेगा या नहीं? वेल, तो जवाब है जी नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जब इस फिल्म को देखने जाओगे तो अगर आपने फिल्म के फर्स्ट पार्ट को नहीं भी देखा है तो भी आपको इस फिल्म की स्टोरी काफी आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि इस फिल्म के प्लॉट को काफी सिंपल रखा गया है। लेकिन स्टोरी को प्रेजेंट करने का जो काम यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर्स रिच मोरे और फिल जॉनसन ने किया है वो काबिले तारीफ है। और फिल्म का एनिमेशन तो गजब है, जिसकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ वो कम ही है, और खास करके फिल्म की वो इंटरनेट की दुनिया जो लाजवाब है। और सच में मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने भी इंटरनेट की दुनिया को इतनी अच्छी तरीके से देखा होगा, क्योंकि इंटरनेट एक डेली रूटीन हो गया है इंसानों की जिंदगी में, जिसके बिना ज्यादातर तो लोग नहीं रह पाते और उनमें मैं भी आता हूँ। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म में इंटरनेट को प्रेजेंट किया गया है वो देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अगर सोचा जाए तो इंटरनेट की भी पूरी एक दुनिया बनाई जा सकती है, जहाँ पर ईबे पे लोग हमें ऑक्शन करते हुए नजर आते हैं और उसी के साथ साथ सर्च बार की क्या हालत होती है वो भी चीज आपको इस फिल्म में दिखाई जाएगी। ऐसे और भी काफी सारे रेफरेंस और ईस्टर एग्स हैं जो इस फिल्म में भरे पड़े हैं। आप जहाँ कहीं पर भी नजर घुमाओ तो आपको वहाँ पर एक ईस्टर एग नजर आएगा, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, याहू, अमेजोन, एंटीवायरस, हर एक चीज आपको इस फिल्म में एज ईस्टर एग्स नजर आएगी। यहाँ तक के वायरस की भी एक पूरी अलग दुनिया है जिसे डार्क इंटरनेट कहा जाता है। तो अब उस फालतू से टॉपिक को आप कमेंट में मत लिखिएगा कि पॉर्न साइट्स को भी इस फिल्म में मेंशन किया गया है या नहीं। और बात करें फिल्म के सबसे अच्छे सीन की, तो फिल्म का सबसे अच्छा सीन है लोगों के कमेंट का, जहां पर रैल्फ एक ऐसी जगह घुस जाता है जहां पर कोई भी नहीं होता और उसे लोग कमेंट रूम कहते हैं, और यहां पर कोई भी लोग कमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कुछ कमेंट अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। ऐसे में ये चीज रैल्फ को काफी ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन अपनी दोस्ती की खातिर वो इन हेटर्स की कमेंट को भी इग्नोर कर देता है। ये पार्ट मुझे फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद आया। और अब बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी बहुत बहुत सिंपल है, और वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि रैल्फ की बेस्ट फ्रेंड वेनेलोपी के आर्केड गेम का एक हैंडल टूट गया है, और अब उस हैंडल को ढूंढने के लिए रैल्फ और वेनेलोपी चले जाते हैं इंटरनेट की दुनिया में, और वहाँ वो लोग काफी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट फेस करते हैं। यही इस फिल्म की स्टोरी है। लेकिन फिल्म की हाईलाइट कास्टिंग दिखाई गई है, गैल गैडोट एज स्नेक और तारा जी पी हंसन एज यस। इनके अलावा हमें नजर आते हैं एलन टोटकी, जो इस फिल्म में वॉइस दे रहे हैं नोन मोर की, और बाकी फर्स्ट पार्ट की पुरानी कास्टिंग भी है, लेकिन उन सभी का रोल इस फिल्म में ज्यादा बड़ा नहीं है। वेल, फिल्म का बेस्ट पार्ट जो मुझे पसंद आया मैंने आपको वो बताया, लेकिन अगर लड़कियां इस फिल्म को देखने बैठेगी तो उनका सबसे बेस्ट सीन ऑब्वियसली वो प्रिंसेस वाला ही होगा, जहां पर डिज्नी की सारी के सारी प्रिंसेस को दिखाया गया है और कैसे वेनेलोपी उनके बीच घुसकर उन लोगों को कुछ अलग करना सिखाती है, जिसका एक्सपीरियंस डिज्नी प्रिंसेस ने आज तक नहीं किया था। ये चीज उन सभी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आएगी कि वो लोग कहेंगे कि अब डिज्नी को जरा भी देर नहीं करना चाहिए और डिज्नी प्रिंसेस की एक अलग मूवी बनाकर फैंस को दे देनी चाहिए, क्योंकि सच में इस फिल्म में प्रिंसेस वाले पार्ट को अगर कोई भी लड़की देखेगी तो वो इस फिल्म की पूरी तरीके से पागल हो जाएगी। और इन सब के अलावा ये फिल्म हमें सिखाती है कि दोस्ती किस हद तक अच्छी है, और अगर दोस्ती हद से ज्यादा बुरी हो तो वो क्या कर सकती है। इन सभी मायनों को फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। भले से ही फिल्म की स्टोरी काफी सिंपल है, लेकिन आपको ये चीज कहीं पर भी पता नहीं चलती, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा फिल्म की स्टोरी काफी सिंपल होने के बाद भी फिल्म के डायरेक्टर्स ने फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसे देखने के बाद हमें एक चीज सीखने मिलती है कि सिंपल फिल्म की स्टोरी को अगर सही डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे तो फिल्में कितनी अच्छी और बेस्ट बन सकती है। बस यही मैं इस फिल्म को लेकर आपसे कहना चाहूंगा। और अब आ जाए मेरी रेटिंग पर। डेफिनेटली मैं इस फिल्म को बी दूंगा और आपसे यही कहूंगा कि आप इस फिल्म को मिस ना करें। ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म है। वेल, और काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं हर एक फिल्म को बी रेटिंग्स ही देता हूं, तो ए